यूट्यूब एक ऐसा शब्द जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, यूट्यूब एक ऐसा नाम जो आज बच्चे से लेकर बूढ़े हर किसी की जुबान पर है, यूट्यूब एक ऐसी दुनिया जिसने ज्ञान विज्ञान सोच और रोजगार को एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल मल्टीपर्पज पे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज से लगभग 17 साल पहले यानी 14th of Feb 2005 को YouTube की शुरुआत सबसे पहले चैड हर्ली, स्टीव चैन एंड जावेद करीम ने की थी, जिन्हें आज हम YouTube के फाउंडर्स के नाम से जानते हैं। ये तीनों पीपल के शुरुआती एम्प्लॉयज थे, जिनमें से चैड हर्ली ने इंडियाना यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से अपनी डिज़ाइन की पढ़ाई पूरी की थी और चैन एंड करीम ने यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस से अपने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई साथ ही कंप्लीट की थी। सो YouTube बेसिकली एक अमेरिकन बेस्ड ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसका हेडक्वार्टर्स अमेरिका के सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया में है। जैसा कि हमें बताया जाता है कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का और हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक कहानी का हाथ जरूर होता है, उसी तरह हमारे YouTube के पीछे भी एक कहानी है जिसे मीडिया में अक्सर दोहराया जाता है। वेल, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, स्टीव चैन ने अपने अपार्टमेंट सैन फ्रांसिस्को में एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिनमें चैड हर्ली भी शामिल हुए थे। और जब उस पार्टी में शूट की गई कुछ वीडियोस को शेयर करने में प्रॉब्लम होती थी, तब जाकर 2005 के शुरुआती महीनों में चैन एंड हर्ली ने YouTube के आइडिया को डेवलप करने का सोचा। हालांकि उस पार्टी में करीम शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने इस स्टोरी को इनकार करते हुए कहा कि ऐसा भी कुछ हुआ था, लेकिन चैन ने भी ये दावा किया कि यूट्यूब की स्थापना एक डिनर पार्टी के बाद ही हुई थी। वेल, स्टोरी चाहे जो भी हो, पर आज हम जिस YouTube को जानते हैं वो पूरी दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा विजिटेड वेबसाइट है और आज YouTube की ओनर। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। Google है, म्यूजिक YouTube के आज मोर देन 2.5 बिलियन मंथली यूजर्स हैं, जो मिलकर डेली का 1 बिलियन आवर्स से ज्यादा वीडियो देखते हैं, जो कि एक एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन से मोर देन 100 टाइम्स है। अरे रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को। जोक सपाट, जावेद करीम के अपने पहले वीडियो पोस्ट करने के 18 महीने बाद और अपनी ऑफिशियल लॉन्च के 10 महीने बाद फाइनली 9 अक्टूबर 2006 में गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीद लिया। सो आज हम जिस YouTube को जानते हैं उसकी ओनर Google है। नाउ अब शुरू होती है YouTube की असली और इंटरेस्टिंग जर्नी। सो जैसे ही Google ने YouTube को खरीदा, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले YouTube के बिजनेस मॉडल को एक्सपेंड किया इन द फॉर्म ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यूज फ्रॉम एडवर्टाइजिंग अलोन एंड ऑफरिंग पेड कंटेंट्स सच एज मूवीज एक्सक्लूसिव कंटेंट विच इज प्रोड्यूस्ड बाई YouTube। उसके बाद इन्होंने YouTube प्रीमियम की शुरुआत की, जो कि एक पेड सब्सक्रिप्शन है जिसमें आप बिना एड्स के किसी भी कंटेंट को देख सकते हैं। हालांकि इसके बारे में तो सभी जानते हैं, बट एनीवे, इसी के साथ देखते ही देखते YouTube ने बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी मुकाम हासिल कर ली। YouTube के इस बढ़ते हुए लोकप्रियता के कारण बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड प्रमोशन के लिए YouTube पर आने लगे और इसी के साथ यहाँ पर YouTube ने दुनिया भर से क्रिएटर्स को इनवाइट किया टू ज्वाइन द प्लेटफॉर्म एंड क्रिएट कंटेंट्स। शुरुआती दिनों में YouTube के द्वारा क्रिएटर्स को अलग अलग तरीके से पेमेंट किए जाते थे, बट आफ्टर इट एक्वायर्स बाय Google, उन्होंने सभी तरह के कॉम्प्लेक्स मेथड को सिंप्लीफाई करते हुए सारे क्रिएटर्स को एक यूनिक प्रोग्राम से जोड़ा, जिसे आज हम Google AdSense प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। हालांकि Google AdSense ने भी अपने आप को कई बार अपडेट किया, अपने में चेंजेस लाए, बट आफ्टर ऑल इट इज स्टिल इन यूज़। सो बेसिकली इस प्रोग्राम का काम YouTube पर आपकी कंटेंट्स एंड विजिटर के अकॉर्डिंग आपकी साइट से एड को मैच करना है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी चैनल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी रेवेन्यू में भी ग्रोथ होता जाएगा। इन शॉर्ट, एडसेंस आपके और आपके ब्रांड के बीच का एक ब्रोकर है, जो कि ब्रांड प्रमोटर्स के द्वारा दिए जाने वाले पेमेंट्स में थोड़ा सा पैसा एज ए कमीशन अपने पास रखता है और बाकी आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। और इसी छोटी छोटी कमीशन और अपने न्यू बिजनेस मॉडल के कारण अकॉर्डिंग टू द सोर्स इनकी एनुअल रेवेन्यू 2020 में $19.8 बिलियन की थी, जो कि 2021 में बढ़कर $28.8 बिलियन की हो गई, लगभग $10 बिलियन का ग्रोथ ओनली इन वन ईयर। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2022 में इनकी रेवेन्यू कितनी हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाय द वे,
गूगल के द्वारा खरीदे जाने के बाद YouTube अपने कोर वेबसाइट से परे मोबाइल एप्लीकेशन, नेटवर्क टेलीविज़न एंड अदर प्लेटफॉर्म्स में भी एक्सपेंड हुआ। YouTube पर आपको हर टाइप के कंटेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि म्यूजिक वीडियो, वीडियो क्लिप्स, न्यूज़, फिल्म्स, मूवी ट्रेलर्स, टीजर्स, लाइव शो, व्लॉग्स, एंटरटेनमेंट और भी बहुत कुछ। पर मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स इंडिविजुअल के द्वारा क्रिएट की जाती है, जैसे कि कोलैबोरेशन बिटवीन क्रिएटर्स एंड कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स। ऑल्दो YouTube का एक अलग ही इम्पैक्ट रहा है, जिसने देश भर के छुपे हुए टैलेंट को दुनिया के सामने आने का एक मौका दिया है। आज दुनिया भर में बढ़ती अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को दूर करने में ये मददगार साबित भी हो रहा है। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू द गूगल, अपने भारत में ही अराउंड 3,600,000 से ज़्यादा YouTube चैनल ऐसे हैं जिनके मोर देन 1,00,000 सब्सक्राइबर हैं, और ना जाने कितने ही ऐसे छोटे छोटे चैनल हैं जिनके लेस देन 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं। और आज हम कई ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्हें आज से 5 साल पहले कोई नहीं जानता था। YouTube ने बहुत सारे लोगों को आज बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, जो कि शायद YouTube के बिना पॉसिबल नहीं था। और आने वाले टाइम में हम बहुत सारे ऐसे लोगों को भी जान पाएंगे जिन्हें आज हम नहीं जानते। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमारा भी ये छोटा सा चैनल जरूर जाना जाए। अच्छा तो दोस्तों, ये थी हमारे YouTube की लंबी वाली छोटी सी बट इंटरेस्टिंग जर्नी। लेकिन 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 एक और इंटरेस्टिंग बात, ये तो हमारे अबाउट सीरीज़ की पहली वीडियो थी, और अगर आपको हमारे अबाउट सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन YouTube पर अपलोड होने से 24 आवर्स पहले मिल जाए तो कैसा रहेगा? चल झूठा। वेल, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया है, जो कि कम्प्लीटली एक न्यू आइडिया है, जिस एक्सपेरिमेंट में आप भी शामिल हो सकते हैं। आगे बोल। बस हमारे छोटे से मल्टीपर्पज इंस्टाग्राम फैमिली का पार्ट बनकर। इस इंस्टा फैमिली की शुरुआत कल से ही हुई है, जिसमें आज की इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन 24 आवर्स पहले ही अपलोड की जा चुकी है। आप भी डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के थ्रू हमारे छोटे से फैमिली को विजिट कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज़ पर वीडियो चाहते हैं जो कि YouTube पर अवेलेबल नहीं है, तो आप हमारे Instagram फैमिली के थ्रू मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। 1,000 फॉलोअर्स को हमारे चैनल की तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज दिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए बी द पार्ट ऑफ 1,000 फॉलोअर्स फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारे छोटी सी पहल जरूर पसंद आई होगी। नहीं। और अगर सच में पसंद आई तो आप अपना सपोर्ट Instagram और YouTube पर हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करके जरूर दिखाएं। तब तक के लिए नमस्कार।